अब आप सुनेंगे लेखिका वंदना मुकेश जी की लिखी कहानी बिल्ली। बेचारा पुरुष शिकार बनने के बाद भी इस भ्रम में रहता है कि उसने बाजी जीत ली है। मकड़ी सी हालत हो जाती है, अपने ही बुने जाल में फंस जाना। अरे हाँ, शिकार से एक और शिकारी की बात याद आ गई। बिल्ली पंजों के बल दबे पांव ऐसा झपट्टा मारती है कि शिकार तड़प कर रह जाता है, छूट तो पाता नहीं। बचपन में कितनी बार मैंने खुद पड़ोसी सरदार जी की मुर्गियों पर घात लगाए उस काली बिल्ली को देखा था जो हमारे नन्हे तोते को भी खा गई थी। ऐसा मैंने घर के लोगों से सिर्फ सुना था। जब भी मैं उस काली बिल्ली को मुर्गियों की ताक में घात लगाए कोने में बैठा देखती हूँ, मेरी रीढ़ में एक अनोखी सी सनसनी फैल जाती। मैं लगभग 4 साल की रही होंगी जब मैंने उस काली बिल्ली को आखिरकार एक मुर्गी पर झपटते देखा। एकदम अचूक मुर्गी फड़फड़ाई और खत्म। अन्य मुर्गियों के किकियाने से सरदार जी निकल कर बाहर आए और बिल्ली मुंह में मुर्गी को गले से दबाए उनकी और मेरी आंखों के आगे से निकल गई। अचानक सरदार जी ने पास पड़ा जूता फेंक कर उसे मारा। वो मुर्गी का क्षत विक्षत धड़ छोड़कर भाग गई। कुछ पल मुर्गी का धड़ तड़पा और फिर सब कुछ शांत। मुझे याद है कि उसके बाद कई दिनों तक मुझे बुखार रहा और मैं रात में भी चीख पड़ती। ठीक होने पर भी मैं उस काली बिल्ली को ही नहीं, किसी भी बिल्ली को देखकर घबरा कर रो पड़ती थी। मुझे लगता था कि ये मुझ पर भी ऐसा ही झपट्टा मारेगी और तब से आज तक बिल्लियों से मुझे नफरत है। बचपन से बिल्लियों के बारे में न जाने कितनी ही कहावतें सुनी कि बिल्ली नमक हराम होती है, कुत्ते को हम चुनते हैं, लेकिन बिल्ली घर का चुनाव स्वयं करती है, अपने आप आती और जाती है। कितनी भी भोली दिखे मोह ले, लेकिन वफादार नहीं होती, ढीठ होती है, दगाबाज होती है। उससे आंखें नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो आक्रमण कर देती है। कितनी भी विषम परिस्थितियों में छोड़ दो वो जिंदा रहती है, और कितनी भी ऊंचाई से फेंक दो जमीन पर अपने 4 पैरों पर सीधी खड़ी हो जाती है। उस काली बिल्ली के घात लगाने वाले खतरनाक रूप को तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। कैसे आगे के पांवों को दबाकर सोने का नाटक करती, आंखें मिचमिचाती, लेकिन एक टक आंख लक्ष्य पर, और फिर पत्ता भी खड़खड़ाए बिना मुर्गी पर चढ़ बैठी। लेकिन उस दृश्य के साथ ही मुझे दिखता मुर्गी का फड़फड़ाता शरीर, डर से दुबकी हुई मुर्गियां, और मैं पसीने पसीने हो जाती। जब सरदार जी की याद आती तो मन को थोड़ा समाधान होता। जब राजवीर मुझे लेकर इंग्लैंड आए तो प्रबोध 7 साल का और सुमी 5 की थी। बर्मिंघम शहर के सेलियोक अस्पताल के डॉक्टर्स आवास में एक 3 कमरे का फ्लैट मिल गया था। राजवीर अस्पताल जाते तो मैं बच्चों को लेकर सिटी सेंटर निकल जाती। कितना सुंदर लगता था सब कुछ। उन्हीं दिनों सूजी और जैक्सन से मुलाकात हुई। वे दोनों भी राजवीर की तरह डॉक्टर ही थे, भारतीय थे, स्वेच्छा से अच्छे भले नामों सुजाता और नील किशन का अंग्रेजीकरण कर लिया था, ये मुझे राजवीर ने बताया। उम्र में लगभग 45 के आसपास, लेकिन दिखने में हमसे भी छोटे दिखते थे, चुस्त दुरुस्त। अक्सर गलभैयां डालकर दोनों जब सुबह काम पर निकलते तो उनके इस प्रेम को देखकर सहज ही होठों पर मुस्कान छा जाती। भारत में पति पत्नी के प्रेम प्रदर्शन के दृश्य कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो आज भी कम ही नजर आते हैं। उस दिन शनिवार था। राजवीर के कहने पर उनके विभाग के कुछ भारतीय डॉक्टरों को परिवार सहित भोजन पर बुला लिया। वे सभी पति पत्नी डॉक्टर थे। बच्चे और मैं विशेष रूप से इसलिए उत्साहित थे कि हमारे जैसे अन्य भारतीयों से मुलाकात होगी, बच्चों के दोस्त बनेंगे। सूजी और जैक्सन भी आए थे, 3 अन्य परिवार भी थे। हम उम्र बच्चे होने के कारण सारे बच्चे एक साथ खेलने लगे। सूजी बिना स्त्री पुरुष भेदभाव के बड़ी गर्मजोशी से सभी के गले मिली। वे लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे। मैं मेहमान नवाजी में लग गई और राजवीर उन लोगों का साथ देने के लिए साथ बैठ गए। मुझे भागदौड़ करते देख सूजी ने राजवीर से कहा, किस्मत वाले हो, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है कि तुम राजा की तरह रहते हो, काम में कुछ हाथ वात बटाते हो कि नहीं। फिर तो सारे पुरुष अपना अपना दुख रोने लगे कि उनकी बीवियां उनसे कितना काम करवाती हैं। शीतल नाम की एक अन्य चुस्त दुरुस्त महिला ने अपने पति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैंने इंग्लैंड आते ही इसे कह दिया था कि घर का काम 50-50, अब तो ये 100% ही कर लेता है। हंसी मजाक पतियों की बेचारगी पर चुटकुलों का अंतहीन दौर। सभी ने भोजन की दिल खोलकर प्रशंसा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी कुछ न कुछ उपहार, फूल, चॉकलेट आदि लेकर आए थे। सूजी महफिल में छाई रही, वो आकर्षक थी, उसकी बातचीत उससे भी ज्यादा आकर्षक। जैक्सन सहित पुरुष तो उसकी हर अदा पर मरे जा रहे थे। कुल मिलाकर एक शानदार शाम रही। फोटो खींचते हुए सूजी जैक्सन की गोद में बैठ गई। बाकी लोगों ने सचमुच में ध्यान नहीं दिया या ऐसा दर्शाया, लेकिन फोटो खींचते हुए मैं थोड़ा असहज हो गई।
उस रात जब हम अपने घर में हुई उस पार्टी और आमंत्रितों का विश्लेषण कर रहे थे तो मुक्त कंठ से हमने उसकी प्रशंसा की। मैंने राजवीर को बताया कि कैसे सूजी ने मुझे सुजाता जी कहने से मना कर दिया। सूजी और जैक्सन का आना जाना बढ़ गया। अक्सर शनिवार की शाम हमारे यहाँ हमारे साथ ही बीतती। करवा चौथ आने वाली थी। मैंने सूजी को पूछा कि करवा चौथ करती हो क्या? वो निधड़क बोली, क्यों करूं, जैक्सन मेरा हस्बैंड थोड़े ही है जो मैं उसके लिए करवा चौथ करूं। वो मुझे जितना रुलाता है उसके लिए करवा चौथ तो दूर की बात, मैं तो एक घंटा भी भूखी ना रहूं। कहकर वो हा हा करके हंस पड़ी। मैं अवाक। मेरे लिए ये अप्रत्याशित था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि जैक्सन के साथ वो जिस तरह रहती थी उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे पति पत्नी नहीं है। मेरे भावों को पढ़ते हुए वो बोली, अरे हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ फ्लैट में साथ रहते हैं। पागल है क्या तू, मैं एकदम कुंवारी हूं। कहकर ठठाकर हंसते हुए बोली, आई मीन 100% वर्जिन, उसका कमरा अलग मेरा अलग। उतना ही नहीं, शाम को जैक्सन के सामने उसने फिर वही बात दोहराई। दोनों हंसते रहे, मैं खिसिया कर रह गई, पर मेरे मन में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई। सूजी जब आती घर के काम में मेरे मना करने के बावजूद भी कोई ना कोई मदद कर ही देती। मैं उसकी इस बात से अभिभूत हो जाती। बच्चों के लिए उनके मनपसंद तोहफे, मेरा ख्याल रखती, खास तौर से ऐसे समय में जब मैं भारत में अपने परिवार को बहुत याद करती थी। उसकी जब छुट्टी होती वो मेरे साथ सुबह की चाय पीती, कभी दोपहर का भोजन। सबसे ज्यादा मजा मुझे तब आता जब वो राजवीर की खिंचाई कर डालती कि तेरी बीवी ने बिगाड़ रखा है, तेरी आदतें बिगड़ गई हैं। कभी कहती कि तेरी शादी मेरी जैसी लड़की से होती तो तुझे नानी याद आ जाती, हर चीज तुझे हाथ में चाहिए। मुझे कहती, तूने इसे बहुत सिर चढ़ा रखा है, इसको इतना भाव मत दिया कर। उस रात राजवीर मेरी अतिरिक्त प्रशंसा करते और मैं उनकी बाहों में पिघल जाती। कभी कभी शाम को सूजी जबरदस्ती राजवीर से चाय बनवा लेती। राजवीर को काम पर लगाना, हर बात में मेरी तरफदारी करना, पहले पहल उसके इस तरह के व्यवहार से मैं असहज हो जाती थी। लेकिन जब हम कई लोगों के यहाँ पार्टी में साथ गए तो ये समझ आ गया कि इसके मन में कुछ नहीं, व्यवहार सभी के साथ ऐसा ही है। वैसे मुझे इस तरह का प्यार भरा अधिकार दिखाना मुझे, राजवीर और बच्चों को अच्छा लगता था। बच्चों को भी वो बहुत प्रिय थी, क्योंकि वो उन्हें लगभग हर शनिवार को मैकडोनल्ड ले जाती और कभी कभी बाजार से चाइनीज खाना मंगा कर खिलाती। उसके होने से मेरा मन इंग्लैंड में रमने लगा। वो हमारे परिवार के सदस्य की भांति होती जा रही थी। जैक्सन शाम को नियमित रूप से शराब पीता था। सूजी बता रही थी कि आजकल कुछ ज्यादा ही बहक जाता है, इसलिए वो खाना होने पर चाय पीने हमारे यहाँ आ जाती और वो टीवी देखते हुए अपनी शराब का आनंद लेता रहता था। हमारे यहाँ कभी कभी ही आता था। ये बात वो खुद भी बता चुका था कि शाम को वो अकेले रहना पसंद करता है, बच्चों वाले घर में कम ही जाता। एक शाम जब तक सूजी हमारे साथ चाय पीकर वापस लौटी तो वो वहीं सोफे पर सो चुका था। संयोग से उस दिन सूजी घर की चाबी लाना भूल गई। खिड़की से हम उसे सोफे पर पड़ा देख सकते थे, किंतु वो नशे में इतना धुत था कि हमें सुन नहीं सकता था। और फिर हम सबके काफी प्रयासों के बाद भी जैक्सन ने दरवाजा नहीं खोला तो सूजी हमारे घर ही सो गई। उसके बाद से सूजी से हमारी घनिष्ठता बढ़ती गई। बच्चों को कहानी सुनाना उसका प्रिय शौक था। मैं ही नहीं, राजवीर भी सूजी की काफी इज्जत करते थे। भले ही उसकी जिद के कारण मैं उसे नाम से बुलाती थी, लेकिन वो मेरे लिए आदर्श बनती जा रही थी। अविवाहित, स्वाभिमानी, स्वतंत्र, हंसमुख, मिलनसार, सरल, दयालु, परोपकारी, जाने कितने गुण थे। लेकिन कभी कभी मुझे उसका बिंदासपन असहज भी कर देता था। इसी प्रकार बात बात में अंग्रेजी गालियां, पुरुषों से सा सा करना आदि उसकी पुरुषोचित हरकतें भी मुझे परेशान कर देती थी। वो स्त्री पुरुषों से भरी महफिल में सेक्स विषयक चर्चा में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। लेकिन अनजाने में ही उसका ये बिंदासपन मुझे लुभा भी रहा था। एक बार एक जूनियर भारतीय डॉक्टर इंटरव्यू के लिए उससे सलाह मांगने आई और सूजी के ये कहते ही कि बड़े गले का टॉप पहनकर जाना और इंटरव्यू लेने वाले के सामने पिन गिराकर उठा लेना, जॉब मिल जाएगा। सब जोर जोर से हंस पड़े। अंग्रेजी संस्कृति की मजाक जब वो बड़ी प्रामाणिकता के साथ करती और सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे होते तो मैं सिर्फ इसलिए मुस्कुराती कि बुद्धू न सिद्ध हूं। 3 साल हो चुके थे, हम सब एक बार भारत गए थे बस। कभी कभी इंग्लैंड का जीवन, नंगेपन की सीमा तक यहाँ का खुलापन, यहाँ की चमक दमक देखकर मेरा मन विचलित हो जाता। भारतीय समाज में लोगों का हंसना बोलना, गले मिलना, मुझे सब कुछ बनावटी लगता। और अंग्रेज समाज से सतही दोस्ती, बनावटी तारीफें, खोखली हंसी, मुझे सबसे वितृष्णा होने लगती। मुझे लगता कि ये जीवन मेरे लिए नहीं है। शनिवार की वो सुबह मेरे जीवन की एक काली सुबह थी।
5 बजे सुबह छोटे भाई रंजन ने फोन पर बताया कि पापा को रात को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है, दीदी तू आ जाएगी तो पापा को देख लेगी। मैं बौखला गई। राजवीर की नाइट ड्यूटी थी, मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। हार कर 6 बजे जब राजवीर को फोन किया तो वो ऑपरेशन में व्यस्त थे। बोले, मैं आधा घंटे के बाद खुद फोन करूंगा। बच्चे सो रहे थे और मैं विवश रो रही थी। लगभग 7:30 बजे फोन की घंटी बजी तो मुझे लगा राजवीर का फोन है। मैंने रिसीवर लपक कर उठाया। मैं कुछ बोल पाती उधर से सूजी बोली, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, दूध है क्या? कल रात याद ही नहीं रहा। मैं संभल कर बोली, हाँ है, कहकर उसने फोन रख दिया। जैक्सन को भेजती हूँ। 5 मिनट बाद दरवाजे पर बड़बड़ सुनी तो मैं समझ गई कि दूध लेने जैक्सन नहीं, सूजी आई है। दरवाजा खोलकर उसको दूध पकड़ाया। वो बड़बड़ा रही थी। सा खुद रात को पी लेता है फिर उठता नहीं, लेकिन फिर मुझे देखकर रुक गई। सब ठीक तो है ना? उसकी बात पूरी होते ना होते मेरे आंसू बह निकले। इतने में राजवीर भी आ गया। उसे पूरी बात बताई तो राजवीर के बोलने से पहले वो बोल पड़ी, तू जा, बच्चों की चिंता मत कर, हम लोग संभाल लेंगे। आफ्टर स्कूल क्लब 6:30 तक रहता है और बुधवार को मेरी नाइट है, तो मैं बुधवार और गुरुवार दिन में घर पर हूँ। राजवीर गुरुवार की रात नाइट ड्यूटी पर थे तो गुरुवार शुक्रवार दिन में घर पर थे, तो ले देकर सोम मंगल ही बचे। आफ्टर स्कूल क्लब 5 दिन के लिए बुक करना पड़ेगा। शीतल को फोन करके कह दिया कि वो स्कूल को सूचित कर दे और सुमी और प्रबोध के टीचर के लिए पत्र लिख दे। दोपहर 2 बजे की अमीरात की फ्लाइट थी। बच्चों को राजवीर और सूजी के भरोसे छोड़कर मैं भारत के लिए रवाना हो गई, लेकिन पापा नहीं रहे। बस यही संतोष था कि मैं उन्हें जीवित देख सकी। मेरी बाहों में पापा ने दम तोड़ दिया। मुझे 5 की जगह 15 दिन रुकना पड़ा। राजवीर और बच्चों से रोज बात होती, सूजी फोन पर तसल्ली देती। बच्चों से बात करके एहसास हो रहा था कि वे खुश थे। मेरे मन में सूजी के लिए दुआएं ही निकलती। आखिर क्या संबंध था हमारा, लेकिन उसने मेरी तकलीफ में मेरा साथ दिया। मेरे दिल में उसकी जगह और बढ़ गई थी। आखिर लौटना तो था ही, यहां माँ और वहां पति और बच्चे। भारी मन से मैं इंग्लैंड लौट आई। आने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं हुआ। राजवीर और बच्चे मुझे लेने एयरपोर्ट आए थे। घर पर पहुंचते ही मैंने देखा कि घर के दरवाजे पर एक गहरे स्लेटी रंग की बिल्ली दिखी, जिसे देखकर मुझे मेरे बचपन की वो धूर्त और ढीठ काली बिल्ली और तड़पती मुर्गी याद हो आई और मेरी चीख निकल गई। राजवीर जानते थे कि मुझे बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं है, सो उसने बताया कि ये बिल्ली सूजी की है, वो नाइट ड्यूटी पर है, कल आकर ले जाएगी। आगे सुमी ने जोड़ा, मम्मी आंटी इज वेरी काइंड, वे हमें अपनी बिल्ली से खेलने देती हैं। उस रात मैं सो न सकी। जितनी बार मैं सोई उतनी बार बचपन की काली बिल्ली मुंह में मुर्गी दबाए सामने आ खड़ी होती। सुबह सूजी आई, वो पूछती रही, मैं जवाब देती रही। चाय पीकर वो बिल्ली को लेकर चली गई। मुझे कुछ राहत सी मिली। मैं अपने आप से लड़ रही थी, अब साथ मुझे बुरी तरह घेरे था। ऐसा नहीं कि मैं हंसती बोलती नहीं थी, मैं सब कुछ करती थी, लेकिन जीवन के उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं पूरा प्रयत्न कर रही थी अपने विचलित मन को शांत करने हेतु, बार बार वासांसी जीर्णानी यथा विहाय को दोहराती। राजवीर, प्रबोध और सुमी मुझे खुश रखने का पूरा प्रयास करते, लेकिन अब राजवीर का स्पर्श मुझे पिघला नहीं पाता। सूजी पहले की ही भांति आती, लेकिन साथ में बिल्ली ले आती। न जाने क्यों सूजी मुझे बिल्ली सी लगती। सूजी उसे गोद में लेती तो मैं बेचैन होकर कमरे में इधर उधर चलने लगती। उसकी बातें, उसका व्यवहार मुझे खोखला लगता। मैं चिड़चिड़ी होने लगी। अंततः डॉक्टर के पास जाकर अवसाद और नींद की गोलियां लेनी पड़ी। उसके पश्चात मुझे नींद ठीक से आने लगी। जब काफी दिनों तक जैक्सन नहीं दिखाई दिया तो सूजी ने 2-4 गालियों के साथ सिर्फ इतना बताया कि जैक्सन को स्कॉटलैंड में जॉब मिल गया, वो चला गया। राजवीर ने भी अत्यंत सहानुभूति भरे शब्दों में बताया कि सूजी कहती तो नहीं, लेकिन वो काफी परेशान है। तुम्हारे भारत जाने के बाद एक रात जैक्सन और सूजी में जोरदार झगड़ा हुआ, शायद मारपीट भी। सूजी उस रात यहाँ आई थी, तब उसने खुद ही ये सब बताया, लेकिन उसने मुझसे ये वादा लिया था कि मैं तुम्हें न बताऊं, क्योंकि तुम पापा के कारण पहले ही परेशान हो और परेशान हो जाओगी, इसलिए वो अपने आप बताए तो ठीक, वरना तुम अनजान बनी रहना। बिल्ली भी उसने अकेलेपन से बचने के लिए खरीदी है। जब से जैक्सन गया है लगभग रोज ही आती है सूजी, इसलिए बिल्ली भी घर पहचान गई है। कभी कभी रात को सूजी रुक भी जाती है। मुझे सूजी जैक्सन प्रकरण सुनकर सूजी के लिए काफी दुख हुआ और ये भी लगा कि इतना सब होने के बाद भी उसे मेरी कितनी फिक्र है कि अपना दर्द जज्ब करके बैठी है। नींद पूरी होने से मैं फिर सहज होने लगी। कई बार सूजी से पूछने का मन हुआ, लेकिन उसकी मस्ती देख कर लगा कि जख्मों को कुरेदने से क्या होगा।
हाँ, सहज होने पर राजवीर में एक परिवर्तन अवश्य दिखा कि वो सूजी का विशेष ख्याल रखता था। उसे हंसाने के लिए बकवास चुटकुले सुनाता, जिस पर बच्चे, सूजी और वो देर तक हंसते। मुझे अच्छा लगा कि मेरा पति संवेदनशील मनुष्य है और जिस तरह सूजी ने मेरी मुश्किल में हमारा साथ दिया, हम दोनों भी उसका उतना ही ख्याल रख रहे थे। लेकिन उसकी बिल्ली मेरी आफत बन गई थी। मैं सूजी के एहसानों के बोझ तले दबी थी, इसलिए उसे कुछ नहीं कह पा रही थी। सूजी आए या ना आए, बिल्ली जरूर आ जाती और वो दृश्य फिर ताजा हो उठता। अनजाने ही, न चाहते हुए भी, सूजी और बिल्ली को देखते ही मेरी बेचैनी बढ़ जाती। एक दिन वो मेरे लिए हीरे की एक अंगूठी ले आई। मेरे मना करने पर भी वो बस इतना बोली कि तेरी और बच्चों की वजह से मैं पागल नहीं हुई हूँ, थैंक यू। उसकी आंखें छलक पाती उससे पहले ही राजवीर की पीठ पर धौल जमाते हुए बोली, सा बोलने पर ही चाय मिलेगी क्या? मैं हीरे की अंगूठी जैसी कीमती भेंट अकारण ही उससे नहीं लेना चाहती थी। दूसरी बात, मुझे जेवरों का शौक जरा भी नहीं था, अतः मैं विरोध करने लगी। तभी न जाने कहां से उसकी बिल्ली आ गई। उसने जैसे मुझे घूरा। उसके बाद मेरी आवाज बंद ही हो गई। सूजी की विजित मुस्कान में मुझे बिल्ली की आंखों की चमक दिखाई दी। राजवीर ने भी चुप रहने को कहा। मैंने भी सोचा कि सूजी के जन्मदिन पर कुछ अच्छा सा उपहार दे दूंगी। उस रात सूजी हमारे घर ही रुक गई। हम लोग देर तक टीवी देखते रहे। फिर मैं बच्चों को सुलाने गई और उन्हें सुलाते सुलाते मेरी आंख लग गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। कई बार बच्चों को सुलाते सुलाते मैं उन्हीं के साथ सो जाती। राजवीर भी जगाते नहीं थे और फिर रात को जब भी आंख खुलती तब अपने कमरे में जाती। रात करीब 2 बजे के आसपास मेरी आंख खुली। पर्दे डले होने की वजह से घुप अंधेरा था। मैं धीरे से उठी। अपने कमरे की तरफ जाने को हुई कि मेरे कमरे के दरवाजे पर 2 चमकती आंखों ने मुझे पूरी तरह चैतन्य कर दिया। घबरा कर मैं वापस बच्चों के पास आकर लेट गई। नींद उड़ चुकी थी। आंखें खोलकर अभ्यस्त होने पर आंखों पर पड़ा कालेपन का पर्दा हटा और उस अंधेरे में कुछ अन्य आकृतियां उभरी। मेरे कमरे की खिड़की से छन कर आती रोशनी में दिखी 2 छायाएं गहरे आलिंगन में बद्ध। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने फिर से अंधेरे में आंखें फाड़कर देखा कि कहीं सपना तो नहीं देख रही। मुझे फिर उन आलिंगन बद्ध छायाओं के आगे दरवाजे की चौखट पर दिखी 2 खूंखार चमकती आंखें। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी आवाज गले में फंस कर रह गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी मुट्ठियां कसकर भींच गई थीं। बिल्ली का झपटना, मुर्गी का अंतिम चित्कार, बिल्ली के मुंह में उसकी गर्दन, क्षत विक्षत धड़ का छटपटाना, उसके पंखों का इधर उधर गिरना। मुर्गी? राजवीर,